गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, शुरू करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल चल रहा था तो कल हम लोग क्या पढ़े सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है किसी भी टेस्ट से, तो कल हम लोग क्या देखे कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर और ए सी बाय पी आर। तो यहां ट्रायंगल का नाम नहीं आया, एरिया नहीं आया, ये हुआ। तो इसमें खाली साइड है। अभी जो आज जो पढ़ोगे थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये रहेगा, ये हर जगह तुम लोग को लिखना होगा, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये याद कर ले। आज ये थ्योरम पढ़ जाए, इसमें खाली ट्रायंगल सिमिलर था तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो आज जो पढ़ोगे उसमें केवल साइड को एक चीज बढ़ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। कंफ्यूजन दूर करना, मैं उसी पर ध्यान देता हूं ज्यादा। ट्रायंगल है सिमिलर, सिमिलर है तो यहां क्या आ गया बात, एक चीज और बढ़ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो अभी एबी बाय पीक्यू, बीसी बाय क्यूआर, एसी बाय पीआर इक्वल नहीं लिखा, स्क्वायर 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 स्क्वायर। जब एरिया भी ट्रायंगल का लिखोगे तो साइड को स्क्वायर करोगे, जब एरिया नहीं है खाली साइड का बात है और टू सिमिलर ट्रायंगल है तब एबी बाय पीक्यू, बीसी बाय क्यूआर, एसी बाय पीआर। ठीक है, पहला एक्सरसाइज में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे तो वहां हाइट बेस करके था, इसमें हाइट बेस नहीं है, क्या है साइड है। तो कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर ले, तीन तरह से पढ़ा। पहला एक्सरसाइज क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं था तो उसमें क्या करते थे, बेस वन इंटू हाइट वन अपॉन बेस टू इंटू हाइट टू। अभी क्या पढ़ रहे हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसमें साइड बाय साइड, साइड बाय साइड स्क्वायर नहीं दिए, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आया। अभी क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सब थ्योरम हम लोग एक साथ सब थ्योरम पढ़ेंगे, अभी हम लोग एक्सरसाइज में थ्योरम को कैसे यूज करते हैं तो वो देखेंगे। ठीक, बहुत इजी है एक्सरसाइज, कौन सा है, 1.4 है, 1.4। तो ये चीज गया दिमाग में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। अगर तीनों का काम है तो तीनों लिखो, दो एक का ही काम है तो केवल एक, ये तो लिखना ही पड़ेगा, कोई एक साइड ले लोगे। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। यानी रेशियो क्या दिया है, साइड का दे दिया है, अब ट्रायंगल का नाम ए बी सी पी क्यू आर नहीं दिया। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर ए वन एंड ए टू एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एस वन एस टू। ट्रायंगल्स क्या है, क्या बोला था, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। तो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो अब क्या बोले थे कि एरिया जब लोगे, ए मतलब यहां क्या हो गया, ए मीन्स ए फोर एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर साइड टू स्क्वायर, क्योंकि नाम नहीं दिया था तो ऐसा लिख दिए, तो ए वन बाय ए टू। हम लोग को साइड का वैल्यू दिया हुआ है कि एक का साइड 3 है, एक का साइड 5 है, तो साइड पर क्या आ गया, स्क्वायर। ये एरिया वैसे ही रह गया, हम लोग को रेशियो ऑफ एरिया पूछा तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कट नहीं होगा, 9:25 एकदम इजी। एरिया 1 बाय एरिया 2 इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर बाय साइड 2 स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया है, एक्टिविटी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ट्रायंगल सिमिलर है, एबी पीक्यू का वैल्यू 2:3 दिया है, फिर वही लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर एकदम इजी से ले, इज इक्वल टू, अब एबी और पीक्यू का बात है, बीसी क्यूआर का बात नहीं है, इसलिए क्या लिया, एबी स्क्वायर बाय पीक्यू स्क्वायर। एबी कितना दिया है, 2 का स्क्वायर, ये कितना दिया है, 3 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एकदम इजी। थर्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर दिया हुआ है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स, ये केवल दिया है भरने के लिए।
एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी अभी क्या दिया है, एरिया ही दे दिया है एबीसी का भी और पी क्यू आर का, फिर वैसे लिखे एबीसी बाय पी क्यू आर। एबी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्यों लिए, चूंकि हम लोग को एबी बाय पी क्यू पूछा है, नहीं तो बीसी बाय क्यू आर पूछता तो लिखते बीसी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर। ये एरिया दिया था तो एरिया की जगह लिखे, तो ये कितना से कट होगा, 80 है 125 है, 5 के टेबल से 16/25। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4/5 ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हट गया, 4/5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 डन। खाली क्या पढ़ रहे हो, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन, अभी ट्रेंगल का नाम है LMN और PQR, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में दिया है। QR का वैल्यू 20 दिया है और MN, एक का QR का दिया और MN पूछ रहा है, तो इस बार साइड क्या लोगे, QR MN। ये एक ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल LMN। क्या किए, 9 को इधर रहने दो, 16 को इधर ले आओ, तो क्या हो गया 9/16 और 16 उधर गया, तो PQR किधर आ जाएगा, नीचे, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल LMN बाय PQR। ओके, क्या हुआ, ये PQR नीचे आ गया, LMN ऊपर रह गया 9 और ये 16 क्रॉस होकर के यहां आ गया। अब हम लोग को ये पता चल गया कि एरिया का वैल्यू क्या है 9 बाय, एरिया का रेशियो का क्या है 9/16। अब हम लोग लिखे फिर से एरिया ऑफ ट्रेंगल LMN बाय PQR, MN स्क्वायर बाय QR। क्यों MN और QR ही लिए, MN और QR ही क्यों लिए, क्योंकि QR दिया था, MN पूछ रहा था। ये LMN बाय PQR हम लोग को ये क्रॉस से मिल गया था 9/16, वहां बैठा दिए। MN स्क्वायर QR स्क्वायर 9/3 का स्क्वायर है 16/4 का, MN बाय QR क्या गया 3/4। फोर्थ नंबर खत्म। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में फिर नाम नहीं दिया है ट्रेंगल का, बोला दो ट्रेंगल है, मान लिए कि एक का एरिया A1 है, दूसरे का एरिया 2 है और साइड दोनों का कोरस्पोंडिंग साइड क्या है S1 एंड S2। एकदम इजी एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम सेट बाद में लूंगा, उसमें थोड़ा सा मिलेगा, फिर उसके बाद हॉट लूंगा जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, तो अभी आप लोग सीखने के हिसाब से एक्सरसाइज में उतना भारी नहीं है। बच्चे लोग अगर पढ़ नहीं रहे हो तो तुम लोग को बाद में बहुत भारी लगेगा, बहुत इजी चीज है। 7th और 8th से ये सब मैथ्स इजी है, नहीं पढ़ रहे हो तो बाद में समझोगे, पछताओगे, इसलिए पढ़ो अच्छे से, ध्यान से, बहुत हल्का एक्सरसाइज लोग है। अब उसके बाद तो इसमें क्या दिया, एरिया A1 A2 ले लिए फिफ्थ नंबर में। अब एक का एरिया 225 है, लिख दिए 225। दूसरे का एरिया 81 है, तो नीचे में लिख दिए 81। अब बड़ा ये ट्रेंगल हुआ, छोटा ये ट्रेंगल एरिया के हिसाब से। अब इसमें क्या बोला, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रेंगल। अब स्मॉलर ट्रेंगल कौन हुआ, ये आइए, ये नीचे वाला A2, तो हम लोग S1 कौन हो गया, बड़ा साइड होगा, तो साइड ऑफ स्मॉलर दिया है, तो स्मॉलर दिया है तो यहां ले लिए, कितना दिया है 12, और ये नहीं दिया तो मतलब क्या कर दिया, S1 स्क्वायर। अब पहले क्या करो, ये यहां भी 12 को स्क्वायर, S1 को भी स्क्वायर, 12 को। अब ये 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, 81 किसका होता है 9 का, ये रहने दो S1 स्क्वायर बाय A12 स्क्वायर, ये रहने दो। तो अब क्या हो जाएगा, S1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 × 12 × 12 अपॉन S1 स्क्वायर के साथ कौन है 9 है, S1 स्क्वायर के साथ, तो 9 आ गया यहां, 9 से कटेगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 4 × 5 = 5, 4 × 20 और 12 × 20 = 5, 4 × 20 = 12, 2 × 24 = 240, तो कितना आ गया S1 स्क्वायर, S1 स्क्वायर इतना आ गया 225, 15/9, ये 12 × 12 = 15 × 12 बराबर है। तो अभी हम लोग इसको क्या करें, S1 इज इक्वल टू √240। अभी इसको एक बार फिर से क्लियर लिखता हूं, कुछ गड़बड़ हो गया है, देखते हैं क्या हुआ। 225 ये 81 S1 स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, तो हम लोग अभी क्या करेंगे,
स्क्वायर हटाते हैं, ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर हटा दिए चूंकि ये 15 कर दिए, और ये क्या हो जाएगा 12, स्क्वायर हट गया, ये भी स्क्वायर रूट हो गया। तभी क्या गलती हुआ, इसको स्क्वायर रहने दिए, उसको स्क्वायर रूट कर दिए, ठीक है। अब S1 इज इक्वल टू, S1 के साथ कौन मल्टीप्लाई है 9, देयरफॉर 15 इंटू 12 अपॉन 9, 3 जा 9, 3 जा, 3 जा, 3 जा, तो S1 इज इक्वल टू 20। आंसर क्या आया बिगर साइड 20। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है कि ABC और ट्रेंगल DEF इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल कोई भी रे, छोटा बड़ा कुछ भी रे, जिसका तीनों साइड बराबर, जिसका सब एंगल क्या होता है 60 डिग्री, इसलिए सब एंगल बराबर होता है, तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है सिमिलर होता है, तो ABC और DEF इक्विलेटरल ट्रेंगल है, देयरफॉर ट्रेंगल ABC सिमिलर टू ट्रेंगल DEF। अब हम लोग को इसमें AB का वैल्यू दिया है, तो पूछ किसका रहा है DE का, और एरिया का रेशियो दे दिया, तो अगर ये ऐसा है तो क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ टू एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, तो AB का वैल्यू दिया है और DE का वैल्यू पूछ रहा है, तो AB DE का स्क्वायर लिए, जिसका काम रहे वही ले, ये तो लिखना ही पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और साइड जिसका जरूरत रहे वही लोगे, तो अब ये हम लोग लिख लिए, ये दिया है कि ABC और DEF का जो रेशियो है वो क्या है 1:2, तो क्या लिखूं, इसके जगह पर 1:2 मतलब 1/2 लिख दिए, और AB का वैल्यू दिया है, कितना दिया है AB, AB का वैल्यू 4 दिया है, तो 4 upon 4 square upon DE square लिख दिए। अब इसका DE square क्या करेंगे, क्रॉस कर लेते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, DE square is equal to या एक काम कर स्क्वायर हटा दो, तो 1 का रूट अंडर क्या होगा 1, ये क्या हो जाएगा √2, और इसका स्क्वायर अब हटा दो तो 4 upon DE, क्योंकि 2 का रूट अंडर नहीं निकलेगा बाहर, तो अब DE into 1 is equal to 4 into √2, यही हो गया आंसर, बस ऐसे ही छोड़ दो 4 into √2, ये समझा √2 क्यों हुआ, क्योंकि 1 का रूट स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट बाहर नहीं आएगा, 4 रहता तो 2 होता, और इसका स्क्वायर हटा दिए कंप्लीट। अब 7th नंबर एक्टिविटी है, ये पहले लिख के रेडी है, इसमें ये फिगर दिया हुआ है, ट्रेंगल क्या है बड़ा ट्रेंगल, इसमें 2 ट्रेंगल दिख रहा है, एक PQF और एक DEF, 2 ट्रेंगल दिख रहा है, और हम लोग को लास्ट में एरिया पूछा है इस क्वाड्रिलेटरल का, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है चतुर्भुज, इसका एरिया तब निकालेंगे, तो बड़े ट्रेंगल में से, बड़े ट्रेंगल के एरिया में से अगर छोटे ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा, तो ये अभी एक्टिविटी करके दिया है, कभी बिना एक्टिविटी का भी पूछ सकता है, एक्टिविटी ये नहीं देगा, इतना तुमको खुद से करना पड़ेगा, तो ये तो इतना दूर तक ये क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, सब ये बात दिया हुआ है, ये एरिया ऑफ एक ट्रेंगल छोटा वाला ट्रेंगल का PQF का एरिया भी दिया हुआ है, अब इसको भरना है, तो देखो क्या दिया है, PF को 2DP लिया है, कि PF जो है ये 2DP के बराबर है, तो लेट अस एज्यूम DP कितना x, DP x वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, ये तुमको दिया हुआ है कि DP को x लिया गया, तो PF कितना हो जाएगा 2 into DP यानी 2x, तो DP है x और ये निकला 2x, अब DF क्या भरेंगे, तो DF इज इक्वल टू DP प्लस PF, तो DP प्लस यहाँ क्या भरे PF, अब DP का वैल्यू क्या है x, इसका क्या है 2x, PF का वैल्यू कितना हो गया 3x, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या आया 3x आया। अब जो ये 2 ट्रेंगल है, एक FDE बड़ा वाला और एक FPQ,
इसको सिमिलर करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल एफडीई एंड ट्रायंगल एफपीक्यू, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा, तो पहले कौन सा है बड़ा ट्रायंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्यों कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एफडीई, एफडीई यहां मार्किंग नहीं करोगे, एफडीई किसके बराबर होगा एफपीक्यू, ये हो गया एक एक्टिविटी फिलिंग द ब्लैंक। एफईडी इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा, संगत कोण कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एफईडी किसके बराबर होगा एंगल एफ क्यू पी के, रीजन क्या कोरस्पोंडिंग एंगल संगत कोण। अब ये दो दो एंगल बराबर हो गया, तो ट्रायंगल जो इन करके लिखे थे वो क्या हो गया सिमिलर बाय ए एट टेस्ट। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ट्रायंगल एफडीई अपॉन एफपीक्यू कौन सा साइड ले लू, हम लोग को पीएफ मालूम है छोटे का, बड़ा पहले लिखे है एफडीई, बड़ा भरा हुआ तो बड़ा का कौन साइड ले लू एफडी, एफडी स्क्वायर, इसको यहां अंदर में भी डाल सकते हो एफडी स्क्वायर, और छोटे का कौन ले लू एफपीक्यू का एफपी, इसका एफडी ले लिए इसका एफपी, क्यों उसका वैल्यू एक्स टू एक्स थ्री एक्स करके मालूम है, यहां क्या ले लू पीएफ स्क्वायर, पीएफ स्क्वायर। एफडी का वैल्यू कितना था ये निकाले थे, डीएफ भी कर सकते हो, तो कितना है थ्री एफ, तो थ्री एक्स का स्क्वायर, पीएफ कितना है टू एक्स, इतना दूर कितना है टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर, नाइन एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट, तो क्या आया नाइन बाय फोर। अब ये दिस इज इक्वल टू दिस, तो एफडी बराबर क्या होगा, ये क्रॉस होकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफडी इज इक्वल टू नाइन बाय फोर, ये लिखे और ये एफपीक्यू यहाँ क्रॉस हो गया, और एफपीक्यू का वैल्यू देखो पीएफक्यू एफपीक्यू सेम है, यहाँ क्या भर दिए ट्वेंटी, फोर वन जा फोर फाइव जा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, ये ट्रायंगल का एफडी का मुझे एरिया बड़े का मिल गया, कितना मिला 45। अब हम लोग को क्या बोले थे शुरू में कि ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया जानना है, तो बड़े ट्रायंगल में से छोटे को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, तो क्या किए ये क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू दिया हुआ भी है तुमको, तो एफडी कितना निकला 45, ये कितना निकला वो दिया हुआ है एफपीक्यू कितना 20, तो 45 में से 20 गया 25। ओके अभी हम लोग बताता हूं कि अभी ये एक्सरसाइज ये चैप्टर ही समाप्त हो गया सिमिलैरिटी का, क्या क्या पढ़े इसको एक रिमाइंड करते हैं कि हम लोग क्या सब पढ़े। देखो सबसे पहले स्टार्ट में पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो यहाँ सिमिलर ट्रायंगल नहीं है तो क्या लिए थे बी वन इंटू एच वन बी टू इंटू एच टू, और अगर बेस सेम था तो क्या लिए थे तब हाइट एच वन बाय एच टू, और अगर हाइट सेम था तो बी वन बाय बी टू, यहाँ एरिया सिमिलर नहीं था, इसमें क्या था सिमिलर ट्रायंगल था तो साइड को स्क्वायर कर लेते। ओके दूसरा क्या पढ़े बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि ये और ये पैरेलल है तो समझो एबीसी पीक्यू, तो अभी बीपीटी, बीपीटी में क्या पर है एपी बाय पीबी इज इक्वल टू एक्यू बाय क्यूसी, ये कब होगा जब पीक्यू और बीसी पैरेलल, ये हुआ बीपीटी। इसी का कन्वर्ट क्या होगा कि अगर ये इक्वल है तो लाइन क्या होगा पैरेलल, एंगल बाय सेक्टर उसके बाद पड़े, एंगल बाय सेक्टर में ये अगर कट किया ए बी सी तो क्या लिखते हैं बाय एंगल बाय सेक्टर से ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए पी बाय पी सी, ये हुआ एंगल बाय सेक्टर। और क्या पढ़ा थ्री पैरेलल लाइन दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, थ्री पैरेलल लाइन, ये रिमाइंड करना होगा इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पॉइंट कौन कौन सा मेडिसिन लिए किसके बारे में पढ़ाई किए, और क्या पढ़े अभी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये ट्रायंगल का स्क्वायर, ये ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इसके साइड के स्क्वायर के बराबर, इतना ही चीज आप लोग पढ़े हैं। ध्यान रखो अगर रोज डेली नहीं पढ़ोगे
तो एक साथ बैठोगे पढ़ने तभी ऑनलाइन से तभी पढ़ सकते हो यूट्यूब चैनल सबसे जब तुम डेली पढ़ोगे और तुमको केयर करने गाइडलाइन करने वाला रहेगा तो मैं तुम लोग के साथ रहता हूँ तो तुम लोग थोड़ा सा केयर करो नहीं तो अचानक भारी लगेगा ध्यान दे के पढ़ने का मन नहीं करता है जितना कठिन काम होता है उतना ही बड़े मंजिल मिलता है बिना मेहनत का नहीं मिलता है इसलिए तुम लोग से रिक्वेस्ट ही समझो आज लग रहा है मैं कुछ बच्चे को देख रहे कि ठीक से नहीं पढ़ने पर ध्यान देते हो ध्यान दो तभी जिंदगी अच्छा होगा ऑल द बेस्ट।